हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे हस्बैंड देसी चिकन बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं देसी चिकन कैसे बना रहे हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई पे भी सरसों का तेल डाल रहे हैं। तो अभी तेल गर्म हो चुका है, अभी थोड़ा सा चीनी डाल रहे हैं। अभी खड़ा मसाला डाल रहे हैं। अभी प्याज को डाल रहे हैं। दो कटे हुए चिली को डाल रहे हैं। अभी प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं तेल के साथ। अभी प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। अभी तेज पत्ता डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी प्याज ब्राउन कलर हो चुका है। अभी अदरक लहसुन अच प्याज की पेस्ट को डाल रहे हैं। अभी अच्छी तरह उसको मिक्स कर रहे हैं। अभी मसाले पे मिर्च पाउडर दे रहे हैं। उसको भी अभी मिक्स कर रहे हैं। अभी हल्दी पाउडर, उसको भी मिक्स कर रहे हैं। अभी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। अभी इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी उसी मसाले पे टमाटर प्यूरी को डाल रहे हैं और उसे अभी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये देखिए, अभी नमक डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मसाले पे थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और मसाला को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मसाला हो चुका है। देखिए, मसाला से तेल सब छोड़ रहा है। अभी मसाला हो चुका है, तो अभी देसी चिकन को डालेंगे। ये देखिए, डाल रहे हैं। अभी इसको भी मसाले के साथ मिक्स कर रहे हैं। और दो आलू को अच्छी तरह धोकर डाल रहे हैं, कट करके। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10-15 मिनट तक ढक्कन लगाकर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट हो चुका है। चलिए देखते हैं चिकन को। ये देखिए, चिकन अभी पक चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी चिकन पूरा तैयार है। अगर आप लोगों को मेरे हस्बैंड का देसी चिकन बनाने का रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।